फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान और मैं हूँ महिला। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्री पुरुष के संबंधों से जुड़े रहस्य। ये रहस्य जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही यूजफुल आज की वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी गरुड़ पुराण के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। गरुड़ पुराण का महत्व है कि इस ग्रंथ में सारा लेखा जोखा जीवन का, मरने के बाद नर्क या स्वर्ग मिलेगा क्या मिलेगा, हमें इस ग्रंथ के माध्यम से पता चलता है। और व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है, इस ग्रंथ में हमें व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा इस लोक से परलोक कैसे पहुंचती है और रास्ते में कैसे अड़चने आती है, इस चीज़ का भी वर्णन मिलता है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि स्त्री पुरुष के संबंधों से जुड़े रहस्य क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, ऐसे स्त्री जो पति को छोड़कर किसी पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है तो मृत्यु के बाद यमनोक की यातना सहनी पड़ती है और छिपकली, चमगादड़ या सांप के रूप में नया जन्म मिलता है। तो जितनी भी पत्नियाँ हैं, पर पुरुष को देखना भी पाप माना जाता है गरुड़ पुराण के अनुसार। अगर गलत निगाहें से देखे भी तो गलत है। तो जितने भी स्त्रियां हैं वो अपने पति के साथ पतिव्रता स्त्री बन के रहे और सौभाग्यवती बने, अखंड सौभाग्यवती बने। और तीज व्रत जो है वो, या करवा चौथ जो है वो, अपने पति के लिए जरूर प्रेम से, निस्वार्थ भाव से करें और पर पुरुष के साथ संबंध बनाने से बचें। सेकेंड पॉइंट से बलात्कारी पुरुष, अगर कोई पुरुष बलात्कार करता है तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को नर्क में जाकर दंड भोगना पड़ता है और नया जन्म अजगर के रूप में मिलता है। तो ये बलात्कारी पुरुष जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश के, हमारे परिवार और समाज में से ही हमारे बेटे, पति होते हैं या भाई। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो ऐसे लोगों को एक अच्छी माँ की परवरिश की बहुत ज़रूरी है। तो उनकी परवरिश, बच्चों की परवरिश पर अच्छे से ध्यान दिया जाए ताकि समाज में ऐसा कुछ ना हो, बच्चों को धर्म का ज्ञान दिलाया जाए। तो बलात्कार करने से, ऐसे गलत घिनौने अपराध करने से बचे, समाज को बचाया जाए। थर्ड पॉइंट से दोस्त की पत्नी के साथ संबंध, अगर कोई दोस्त की पत्नी बहुत सुंदर है तो आज के दौर में नया युग है, नया फैशन है, नया जमाना है, तो लोग गलत संबंध बना लेते हैं, दोस्त की पत्नी की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार दोस्त की पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले पुरुष को महापापी का दर्जा दिया जाता है। महापापी, उसके समान कोई पाप नहीं, महापापी पापों से भी ज़्यादा पाप करने वाला। तो गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद गधे का जन्म मिलता है। तो दोस्त की पत्नी को आप दोस्त की पत्नी की नज़र से ही देखें, माँ का दर्जा दें और अपनी नज़रों को भी आप अच्छा रखें, मतलब उनमें अपनी माता को देखें, इस तरह का अपने अंदर मन में विचार लाएं। फोर पॉइंट्स है गुरु की पत्नी के साथ संबंध। गरुड़ पुराण में जो गुरु होते हैं उनकी पत्नी के साथ संबंध अगर कोई बनाता है तो ये यमलोक में भयानक दंड उन्हें मिलता है, उसे हर प्रकार की यातना दी जाती है और नया जन्म गिरगिट का मिलता है। तो कभी भी अपने गुरु की पत्नी को भी गुरु का ही दर्जा देना चाहिए, कभी भी गलत निगाहों, गलत नज़रों से नहीं देखना चाहिए। हमारा भारतवर्ष जो है, यहाँ अनेकों धर्म धार्मिक बुक मिलते हैं जैसे, जिसमें गरुड़ पुराण का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके, इस चीज़ को जानने के बाद आप कम से कम गुरु की पत्नी के साथ कभी भी ऐसा संबंध सपनों में भी बनाने के लिए ना सोचें और उन्हें भी बहुत ही श्रद्धा और अच्छी निगाहों से देखें और उन्हें रिस्पेक्ट दें। फाइव पॉइंट्स है स्त्री का हरण करने वाला, जैसे किसी स्त्री का अपहरण कर लिया गया हो, कोई नाबालिग लड़की को का अपहरण कर लिया हो, तो वैसे व्यक्ति, वैसे पुरुष को अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस मिलता है जन्म, जो बहुत अद्वितीय है और इस तरह की प्रजाति को लोग देख सुन नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही भयानक यातना या बहुत ही भयानक दंड है। तो कभी भी किसी स्त्री का हरण ना करें। सिक्स पॉइंट्स है किसी स्त्री के दामन पर कीचड़ उछालने वाला या भरे सभा में उसका अपमान करने वाला,
व्यक्ति या भरे सभा में सामूहिक बलात्कार करने वाला। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार अगले जन्म में नपुंसक बनता है। तो इस तरह के घिनौने अपराध से बचें और समाज में अच्छाई फैलाएं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार मैंने जो 5 पॉइंट्स दिए यौन संबंध पर के रहस्यों को उजागर किए, तो इससे आप जानकारी लें और अपने जीवन में सिर्फ अपनी पत्नी से प्रेम करें, पत्नी वर्ता पति बने और सभी स्त्रियों को सम्मान दें, समान की नज़रों से देखें और स्त्री भी सभी मर्द पराए मर्द को भाई या एक गुरु के रूप में देखें, एक पिता के रूप में देखें और अपने पति से ही संबंध बनाएं। यौन संबंध के बारे में जो जानकारी थी गुरु पुराण में मैंने आपको दी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की अमेजिंग वीडियो गुरु करूँ पुराण से रिलेटिव धार्मिक वीडियो और रिलेशनशिप की वीडियो, पेरेंटिंग की वीडियो डालते रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।